नमस्कार दोस्तों, प्रतिष्ठानम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम लोग कोर्स को कवर कर रहे हैं लगातार, और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे थे, जिसका एक भाग हम लोगों ने देख लिया था। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग के बारे में, देखते हैं कि क्या है। आज हम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगीतियाँ हैं। जो बौद्ध सम्मेलन हुए थे समय समय पर, उनको बौद्ध संगीत कहा गया। तो ये जो बौद्ध संगीत है यार, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस में, आईएएस में और जितने भी वनडे एग्जाम है, सब में बौद्ध संगीतियाँ जरूर पूछता है कि चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो चारों बौद्ध संगीतियाँ में क्या क्या हुआ था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर आपके पेपर में प्रश्न बन जाते हैं। बात करें प्रथम बौद्ध संगीत की, तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, अजात शत्रु के समय हुई थी। और ये कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी वो कौन से राजा के समय हुई थी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, अजात शत्रु, ठीक है। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी ये बात। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो तीन चीज, राजा कौन था पहली बौद्ध संगीत में, अजात शत्रु, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, और इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। क्लियर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संगीत में आनंद और उपाली ने सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक बनाए गए थे। अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सुत्त पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है। आपको याद है तो याद करिए, रिकॉल करने का प्रयास करिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक में क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। बात करें द्वितीय बौद्ध संगीत की, द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी भाई, वो काला शोक के समय हुई थी, और ये 383 ईसा पूर्व। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये राजा का क्रम याद रखिएगा, किस राजा के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी काला शोक के समय हुई थी, कहाँ पर हुई थी यार, वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सब कामी ने की थी। किसने किया था भैया, सब कामी ने। इस संगीत में मठ संबंधी नियम को लेकर मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म जो है स्थिरवादी और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो पहले में सुत्त पिटक विनय पिटक का निर्माण हुआ, दूसरे में जो बौद्ध धर्म है वो स्थिरवादी और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो ये दो बौद्ध संगीतियां थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बौद्ध संगीत के बारे में देखते हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीत थी वो अशोक के समय हुई थी, इनका 250 ईसा पूर्व में हुआ था। उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलपुत्र तिस्स थे। तो अध्यक्ष कौन थे भैया, मोगलपुत्र तिस्स। और इसमें अविधम पिटक का संकलन हुआ। तो पहले में क्या था, सुत्त पिटक विनय पिटक। दूसरे में क्या था, बौद्ध धर्म जो है अस्थवीर और महासंघिक में विभाजित हुआ। तीसरे में जो है अविधम पिटक का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो ये पहली शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो कुंडल वन कभी कभी आता है, ज्यादातर कश्मीर रहता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। इस समय जो राजा था वो कनिष्क था, ठीक है। ये अक्सर बहुत बार ये प्रश्न पेपर में आया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय हुई थी, तो कनिष्क के समय हुई थी। याद रखेंगे अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष साहब थे। हुआ क्या था, इस संगीत में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म जो है वो प्राकृत भाषा में है, याद है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के जो उपदेश है वो पाली भाषा में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये देखिए नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नव जो है वो पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित सौदरानंद ये संस्कृत भाषा में है। देखिए बिहार में कोई एक पेपर हुआ था, एएसआई का शायद पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा था कि बुद्ध चरित किसकी रचना है। तो देखिए कई बार होता है, जब हम इसीलिए कहते हैं कि पॉइंट पॉइंट करके नोट्स जरूर बनाइए। अब जैसे ये आप जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लाइन आपको अगर पता होगी पढ़ते समय तो आप बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, किसी भी लाइन से कोई भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए चीजों को छोड़ना नहीं है। जहां भी अंडरलाइन हो जाए भाई, उसको जरूर नोट्स बना लीजिए, जरूर याद करिए उसको। तो बुद्ध चरित की रचना किसने किया है, अश्वघोष ने, और ये सौदरानंद की रचना की किसने किया है, अश्वघोष ने, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जी का जो पर निर्माण हुआ, पर निर्वाण या महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। तो ये स्थान याद रखेंगे, कहाँ पर हुआ भाई, कुशीनगर में। यूं ट्रिक याद रखिएगा कि खुशी खुशी क्या हुआ, उनका देहांत हो गया। कैसे हो गया भाई, खुशी खुशी उनका देहांत हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो कुशीनगर में इनका देहांत हुआ। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ। प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण कौन सी शैली में हुआ, गांधार शैली में, जबकि प्रथम शैली मथुरा शैली में
जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा शैली में बनी थी। अब याद कैसे रखेंगे, अब जैसे पहले हम लोग पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लोग अपने यहाँ की शैली में बुद्ध की प्रतिमा बना दिए थे, तो अपने यहाँ की शैली कौन सी होगी, मथुरा शैली। तो मथुरा शैली में पहले हमने क्या किया, बुद्ध जी की मूर्ति को बना दिया, उसके बाद हमने इनोवेशन किया और कई सारी चीजें बाहर की शैलियों को हमने मिलाया, तो गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो इस तरह से इस पॉइंट को दिमाग में अपने फीड कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतपुंज कहा जाता है। बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग महाजनपद काल को जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल की अगर हम लोग बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ, और उससे क्या हुआ कि बड़े बड़े राज्यों को प्रोत्साहित करने का मौका मिला। इन्हीं बड़े बड़े राज्यों को कहा गया महाजनपद। क्या कहा गया भैया, महाजनपद कह दिया गया, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ, इससे 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इससे भी महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे कि जो 15 महाजनपद थे ये उत्तर भारत में स्थित थे, जबकि एक महाजनपद जो था अश्मक वो नर्मदा नदी के दक्षिण में था। मतलब सोचिए कि अवस्थिति इनकी, महाजनपद की जो अवस्थिति थी वो उत्तर भारत में ही सर्वाधिक अवस्थिति थी। मतलब समझें कि 16 महाजनपद जो थे उसमें 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे, जबकि एक ही महाजनपद जो अश्मक महाजनपद था वो नर्मदा नदी के साउथ में था, दक्षिण में था। यह काल द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आप समझ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम जो नगरीकरण है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सामान्य सी बात है। तो इतनी बात हमने सामान्य तौर पर देखी। यहाँ से दो तीन पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक ये अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है, जैन ग्रंथ से, इससे भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था या नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था, तो अश्मक। ये दो तीन पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मौजूद थी तथा चांदी के सिक्के आहत सिक्कों के नाम से प्रचलित थे। तो आहत सिक्के इसलिए कहा जाता क्योंकि इनको ठप्पा मारकर बनाया जाता। आहत मतलब समझते हैं ना, पीटना, मतलब चोट पहुंचना, तो आहत हो जाना। तो आहत सिक्के जो थे वो किससे बने थे भैया, चांदी के बने थे। ध्यान रखिएगा, यह काल जो है इन महाजनपदों के आपसी टकराव का काल था, जिसमें अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। याद रखिएगा, जैसे 16 महाजनपद हैं तो सब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, ठीक है, एक छत्र साम्राज्य के लिए। तो याद रखिए, इनमें जब युद्ध होता है तो सबसे प्रभावशाली जो राज्य बनता है वो मगध बनता है। ये जो टॉपिक है ना यार, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, सामान्य तौर पर एक ही प्रश्न यहाँ से बनेगा, और वो ये बनेगा कि कुछ महाजनपद दे देगा। जैसे मान लीजिए 4 महाजनपद इधर दे दिया, ये देखिए एग्जाम्पल में आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, काशी, कोसलंग, मगध, और इधर की राजधानियां दे देगा उल्टे क्रम में, इधर ऐसे नहीं जैसे क्रम में यहाँ लगा है आपके लिए, और कहेगा मैच कराइए। तो इसका हमको ध्यान देना है कि सभी महाजनपदों की राजधानी हमको अच्छे से याद हो जाए, यही प्रश्न आपके पेपर में बनता है। याद रखेंगे कि इन महाजनपदों के बारे में बात करेंगे तो 8 महाजनपद, 16 महाजनपद थे तो जो 8 महाजनपद थे, ये 8 महाजनपद जो थे वो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे। अक्सर ये आपके पेपर में प्रश्न बन जाता है, अभी हम लोग देख भी लेंगे कौन कौन से थे। फिलहाल ये पॉइंट तो नोट डाउन कर ही लीजिएगा कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के थे। यहीं पर बात कर लेते हैं बिहार की, तो 3 महाजनपद बिहार के थे, ठीक है, ठीक है, मगध, वज्र, अंग, ठीक है, मगध, वज्र, अंग, ठीक। ये अभी 8 यूपी के भी अभी देख लेंगे सारे। आइए बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं। काशी जो था ये देखिए उत्तर प्रदेश का पहला है, मैं यूपी वाला पॉइंट आउट कर दे रहा हूं पहले से, बिहार वाला बता ही दिए, मगध, वज, अंग, तो बिहार वाले भी यहां पर ध्यान दे लेंगे, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है। तो पहला काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। दूसरा है कोसल, कोसल की राजधानी अयोध्या, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है अंग, अंग जो है ये देखिए बिहार का है, अंग जो है इसकी राजधानी चंपा है, वर्तमान का भागलपुर मुंगेर। मगध जो है ये भी बिहार का है, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है। ये 4 महाजनपद हुए, इनकी राजधानियां हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वज्र की। देखिए ये भी बिहार से ही संबंधित है, तो वज्र की बात करें तो वज्र की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। मल्ल की राजधानी, अब देखिए ये भी उत्तर प्रदेश का है, तो ये यहां पर हम लोगों ने दो देखा था, अब आगे देखते हैं।
तो बात करें इसकी मल्ल की, तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, वर्तमान का जो गोरखपुर देवरिया कुशीनगर का जो क्षेत्र है ये। चेद चेद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती या सोतिवती। बुंदेलखंड इसकी राजधानी, जो आधुनिक बुंदेलखंड जो है, चेद की राजधानी सुक्तिमती या सोतिवती थी, जो वर्तमान में बुंदेलखंड जो जो क्षेत्र आप देखते हैं वो यही है। वत्स की बात करें, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। पांचाल की बात करें तो इसकी राजधानी जो थी अहिछत्र या रामनगर बरेली थी। मत्स की बात करें तो ये इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूरसेन की बात करें, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, सूरसेन की राजधानी क्या है भैया, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी क्या है, यही था अस्मक, देखिए यही महाजनपद था, इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। अवंत की राजधानी उज्जैनी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो ये आपके 16 महाजनपद हुए। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इतनी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। इतने पॉइंट आप नोट बनाकर नोट्स बना लीजिएगा और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।